नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। तो आज फर्रुखाबाद में भाव में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है और फर्रुखाबाद के अलावा भी कुछ मंडियों में और भी आलू के भाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्रुखाबाद से। तो फर्रुखाबाद में आज पुखराज बिका है आपका 1280 रुपये से लेकर 1340 रुपया पैकेट और ख्याति बिका है आपका 1300 से लेकर 1350 रुपया पैकेट। चिप्सोना बिका है 1350 रुपये से लेकर 1380 रुपया पैकेट और 3797 बिका है 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपया पैकेट और हाईलैंड बिका है आपका 1400 रुपये से लेकर 1450 रुपये पैकेट और इसमें कोल्ड वाला जो है इंक्लूड रहता है। और बीजा का रेट जो है अभी इस टाइम पे ख्याति का जो है गड़ाई चल रही है तो बीजा का रेट वही करीब करीब 1400-1450 रुपये पैकेट के आसपास है आमतौर बीजा का। और अच्छा बीजा होगा तो इसका रेट ज्यादा भी हो सकता है और ये आमतौर बीजा का जो मतलब किसान का बीजा होता है जिसका कोई ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट जनरेशन है सेकेंड जनरेशन है उसकी बात नहीं है, उसका वो अगर होगा तो भाव ज्यादा होगा। और ये आमतौर पे जो नॉर्मल बीजा होता है जनरल बीजा होता है उसका भाव जो है वो चल रहा है 1400 से लेकर 1450 रुपया पैकेट के हिसाब से। और कन्नौज से आज भाव नहीं मिल पाया है। और अब बात करेंगे कानपुर में, तो कानपुर में भी आज आमदनी अच्छी खासी रही है, आमदनी रही है करीब करीब 90 से 100 गाड़ी और भाव में यहाँ भी बढ़ोतरी देखी गई है कानपुर में भी और बिक्री भी जो है बड़ी अच्छी रही है। तो ख्याति पुखराज यहाँ पे बिका है आपका 1050 से लेके 1090 रुपया मन और 3770 में बिका है 1050 से लेके 1100 रुपया मन। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ख्याति पुखराज और ख्याति पुखराज और 3797 के रेट में ज्यादा अप डाउन नहीं है, जो कम से कम ख्याति पुखराज के ख्याति और 3797 के भाव में जो कम से कम 50 रुपये का डिफरेंस रहता था वो डिफरेंस ना तो फर्रुखाबाद में देखने को मिला है और ना ही कानपुर में वो डिफरेंस देखने को मिला है। अगर ख्याति आलू भी अगर आपका अच्छा चमकदार बढ़िया आलू है तो 3797 के रेट के बराबर ही निकल जाएगा, खाली 10-5 रुपये 10-20 रुपये जो है मात्र डाउन रह सकता है और 3797 के भाव में ही जा रहा है इस टाइम पे ख्याति भी। 3797 यहाँ पे मैंने बताया आपको 1050 से लेके 1100 रुपया मन और चिप्सोना बिका है आपका 1100 से लेके 1150 रुपया मन और हाईलैंड और सिंदूरी बिका है आपका 1150 से लेके 1200 रुपया मन। तो और यहाँ पे आज प्याज के भाव में भी बढ़ोतरी देखी गई, प्याज बिका है यहाँ पे आमदनी रही है प्याज की 30 से 35 गाड़ी और जो प्याज का भाव रहा है वो रहा है 1400 से लेके 1500 रुपया मन। तो यहाँ पे आलू और प्याज दोनों ही चीजें मन से बिकती हैं और जो मन होता है वो यहाँ पे 40 किलो का होता है, तो जो मैंने भाव बताया है वो 40 किलो के भाव हैं। और बात करते हैं बनारस की, तो बनारस में भी कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है आलू में। यहाँ पे हाइब्रिड आलू जो है वो बिके हैं आपके 2700 से लेकर 2800 रुपया मन, सॉरी 2700 से 2800 रुपया कोंतल और 3797 बिका है 2800 से लेके 2850 रुपया कोंतल और लाकर बिका है 2800 से लेके 2850 रुपया कोंतल और हाईलैंड बिका है आपका 3000 से लेके 3100 रुपया कोंतल। तो भाव में यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ती दिख रही है। बाराबंकी में बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में भी आपका आलू बिका है सिंदूरी जो राजेंद्र बन के नाम से जाना जाता है वो बिका है 1350 से लेके 1400 रुपया पैकेट। तो भाव में यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ोतरी ही दिख रही है। बात करें आगरा की, तो आगरा में आपका 3797 जो आमतौर पर बिका है वो 1250 से लेके 1350 रुपया पैकेट और जो एक्स्ट्रा सुपर आलू बढ़िया आलू है वो बिके हैं आपके 1350 से लेके 1450 रुपया पैकेट और गुल्ला बिका है आपका 1150 से लेके 1300 रुपया पैकेट और छर्री बिकी है 1000 से लेके 1125 रुपया पैकेट। तो भाव में यहाँ भी बढ़ोतरी ही है। संभल से आज भाव नहीं मिल पाया है और बात करते हैं सीधे बदायूं की, तो बदायूं में चिप्सोना आलू बिका है आपका 1350 से लेके 1400 रुपया पैकेट और सूर्या बिका है आपका 1450 से लेके 1500 रुपया पैकेट। तो भाव में यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ोतरी ही है।
बात करते हैं शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में चिप्स वाला बिका है आपका 1300 से लेके 1310 रुपया पैकेट। यहाँ पे पैकेट का वजन मिलता है आपको 45 किलो। भाव में यहाँ भी बढ़ोतरी है। और चिप्सोना की बात, बरेली की में बात करें तो बरेली में चिप्सोना बिका है आपका 1400 से लेके 1425 रुपया पैकेट। यहाँ पे पैकेट का वजन मिलता है आपको 50 केजी, तो भाव में यहाँ भी बढ़ोतरी है थोड़ी सी। अब बात करते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड की, तो रुद्रपुर उत्तराखंड में पुखराज बिका है आपका 2600 रुपया कुंतल, और 3797 बिका है आपका 2650 रुपया कुंतल, और चिप्सोना बिका है आपका 2700 रुपया कुंतल, और गुल्ला बिका है आपका 2400 रुपया कुंतल। प्याज, प्याज बढ़िया प्याज जो है वो एक नंबर का प्याज, वो बिका है आपका 3700 से लेकर 4000 रुपया कुंतल, और मीडियम प्याज जो है वो 3000 से लेके 3300 रुपये कुंतल। तो यहाँ पे प्याज के भाव में तो थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन आलू के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं है। आलू का भाव यहाँ पे रुद्रपुर उत्तराखंड में जो है आलू के भाव सेम बने हुए हैं। आज दिल्ली आजादपुर का भाव नहीं मिला है। और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में जेती आलू बिका है, जेती आलू वहां पे बिका है करीब करीब 1300 1325 रुपए पैकेट के आसपास। बात करते हैं जयपुर में, तो जयपुर में भी भाव बढ़े हैं। यहाँ पे जयपुर में आज आलू बिका है 2200 से लेके 2700 रुपया कुंतल। तो निवल आलू बिके हैं आपके 2200 से लेके 2400 रुपया कुंतल, और मीडियम बिके हैं 2400 से लेके 2600 रुपया कुंतल, और बढ़िया आलू बिके हैं 2600 से लेके 2700 रुपया कुंतल। तो भाव में यहाँ भी बढ़ोतरी ही रही है। और बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में आमदनी रही है आज 55 गाड़ी की, और पुखराज बिका है यहाँ पे 480 से लेके 530 रुपया मन 20 केजी, और बादशाह बिका है आपका 520 रुपये से लेके 560 रुपया मन 20 केजी। तो 10-5 रुपए की बढ़ोतरी थोड़ी सी यहाँ भी दिख रही है। और यहाँ पे मन जो है 20 किलो का होता है, तो जो मैंने भाव बताए हैं वो 20 किलो के ये भाव हैं। बात करते हैं मुंबई की, महाराष्ट्र मुंबई की, तो यहाँ पे आज आमदनी रही है आपकी 24 से 28 गाड़ी, और जो भाव रहे हैं वो आपके रहे हैं 2600 से लेके 3000 रुपया कुंतल। तो 100 रुपये कुंतल की यहाँ भी जो है बढ़ोतरी दिख रही है। और निवल आलू बिके हैं आपके 2600 से लेके 2700 रुपया कुंतल, और मीडियम बिका है 2700 से लेके 2900 रुपया कुंतल, और बढ़िया आलू बिके हैं आपके 2900 से लेके 3770 में, बढ़िया आलू 2900 से लेके 3000 रुपया कुंतल तक बिके हैं। और अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में केवल आज समस्तीपुर से ही भाव मिला है, गुलाब बाग से भाव आज नहीं मिल पाया है। तो समस्तीपुर में 46 आलू का जो भाव रहा है वो 2920 रुपये से लेके 3020 रुपये कुंतल का रहा है। तो यहाँ भी 20 रुपए की आलू के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में आज भाव मिला है 4 जगह से। आज खिरपाई पश्चिम मेदिनीपुर से भाव आज नहीं मिल पाया है। तो जो भाव मिला है वो सिंगूर बोची बर्धमान और सीके रोड पश्चिमी मेदिनीपुर और कौतलपुर बंकुरा, यहां से भाव मिला है। तो 5 जगह हो गई, एक जगह से भाव नहीं मिला है। तो सिंगूर में जो भाव रहा है वो आपका रहा है 1350 रुपए से लेके 1370 रुपया पैकेट। यहाँ पे भाव वेस्ट बंगाल में भाव सेम बने हुए हैं, ना कोई मतलब भाव घटे हैं और ना ही 1 भी रुपए भाव यहाँ पे बढ़े हैं। तो सिंगूर में जो भाव रहा है वो 1350 से लेके 1370 रुपया पैकेट रहा है, और बोची में रहा है आपका 1330 रुपए से लेके 1390 रुपया पैकेट रहा है, और बर्धमान में आपका 1380 रुपया पैकेट बिका है, और वहीं पे सीके रोड पश्चिम मेदिनीपुर में 2570 रुपए से 2575 रुपए कुंतल का भाव रहा है। यहाँ पे मंडी थोड़ी सी डाउन हुई है, और कौतलपुर बंकुरा में भी 2580 रुपए से लेके 2590 रुपया कुंतल रहा है, यहाँ भी मंडी थोड़ी सी डाउन हुई है। तो ये सीके रोड पश्चिम मेदिनीपुर और कौतलपुर बंकुरा, ये दोनों के भाव कुंतल में है, और बाकी जगह के भाव जो है वेस्ट बंगाल के वो पैकेट के हिसाब से है। और आज उड़ीसा से भी भाव मिला है, उड़ीसा भुवनेश्वर से जो भाव हमेशा मिलता था, तो यहाँ पे आमदनी रही है आज 17 गाड़ी की, और बैलेंस रही है 6 गाड़ी, और यहाँ पे जो भाव रहा है वो 2750 से लेके 2780 रुपए कुंतल का भाव रहा है। और आज आसाम डिब्रूगढ़ से भी भाव मिला है, तो आसाम डिब्रूगढ़ में जो
भाव रहा है वो 3150 रुपए से लेके 3250 रुपए कुंतल का भाव रहा है। यहाँ भी भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और यहाँ भी भाव सेम बने हुए हैं। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आपका पंजाब में कोई भाव बढ़ोतरी नहीं हुई है और वेस्ट बंगाल में कोई भाव बढ़ोतरी नहीं हुई है। उड़ीसा का तो आज भाव मतलब काफी दिन के बाद लिया था, उड़ीसा का पता नहीं मतलब इससे पहले क्या भाव था। तो और आसाम में भी भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहां पे भी भाव वही 3200 रुपए थे, तो वही 3200 रुपए चल रहे हैं। और बाकी सब जगह अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा भाव जो है बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश में तो सभी जगह बढ़ा है। आज इंदौर का भी भाव नहीं मिला था, तो उत्तर प्रदेश में सभी जगह आलू के भाव लगभग बढ़े हुए हैं और ये वेस्ट बंगाल में आलू के भाव नहीं बढ़े हैं। तो ये थे भाव जो अभी तक मुझे मिले थे, और बाकी आप लोग कमेंट में बताएं आपके मंडी में क्या भाव रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपकी क्वेरी है कोई तो कमेंट करें। और अगर आप आलू की खबरों से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो YT मीडिया चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकॉन का निशान है उसको भी दबा दें, तो उससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप तुरंत वीडियो को देख पाएंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर YT मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो YT मीडिया ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। और YT मीडिया ग्रुप पे अगर आपके पास आलू से रिलेटेड कोई पोस्ट है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।